यार जल्दी चलो मैच शुरू होने वाला है। क्रिकेट मैच के लिए तुमने इतनी तैयारियां कर रखी है? क्या बात है, खाना पीना। लड़कियां भी बुलाई है तूने? हाय मैथ, तुम लोग रख दो ना। हेल्प योरसेल्फ। हाँ जी। सुमित जरा इधर आना। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे T20 इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने आए हैं। लेकिन सुमित, आज मैंने अदिति के लिए पार्टी रखी है, उसकी शादी में नहीं गई थी ना, तो प्रॉमिस किया था कि हनीमून के बाद उसके लिए पार्टी रखूंगी। तुमने पार्टी रखी है? कल रात को मैंने याद दिलाया था कि शनिवार को मेरी सारी फ्रेंड्स घर आ रही हैं। और मैंने भी तो कहा था कि मेरे दोस्त शुक्रवार को आने वाले हैं। आज शनिवार है। ओह नहीं, कुछ नहीं होता, सब लोग साथ में एंजॉय कर लेंगे ना। आपके पास मैप होगा? मैप? वो क्या है ना, जब से आपको देखा है तब से मैं एकदम खोया खोया सा फील कर रहा हूँ। नहीं, अलग अलग ही एंजॉय कर। मेरी पार्टी और तुम्हारी पार्टी एक कमरे में तो नहीं हो सकती। कौन देगा कुर्बानी? देखो, डेकोरेशंस मेरे, मेन्यू मेरा, तो पार्टी मेरी। तुम सब बेडरूम की टीवी पे मैच देख लो। इतना बड़ा मैच इतने छोटे टीवी पर। हाय हाय हाय, कम 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 कम। हाय ए बॉबी, सिमरन नजर नहीं आ रही। ओए सिमरन हो या सुनीता, क्या फर्क पड़ता है यार। हेलो, हाउ डू यू डू मिस ब्यूटीफुल। आई एम द जसबीर वालिया फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फ्लोर। अदिति, मायास फ्रेंड। मायास फ्रेंड, नाइस नाइस। अदिति कम कम कम। हे यू, ओके ओके एवरीबॉडी, गर्ल्स पार्टी इस कमरे में, मैच उस कमरे में। सो सुमित, मैच तो होता रहेगा ब्रो, लेट्स टुडे डू गर्ल्स पार्टी। मैच नो इंटरेस्ट ब्रो, दिस इज इंटरेस्ट। और तुम लोग भी अंदर चलो ना, मैच अंदर ही देखते हैं। सुमित, थैंक यू सो मच। छोटे टीवी पे छक्के भी चौके लगेंगे। ठीक है, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मैं अंदर स्नैक्स बेचती रहूंगी। खुश? चिकन कटलेट मत भूलना। ओके ओके गाइस, रजनीश अंदर चलना यार। पहले सिमरन को हाय तो बोलने दे। हाय। हेलो जी। एक बात कहूं, आप वर्दी में बड़े ही डैशिंग लगते हैं। अब चोरों चक्कों पे भी तो अच्छा इंप्रेशन जमाना पड़ता है ना। जोक। अबे T20 है, टेस्ट मैच नहीं। बाकी क्या है बाद में भर लेना। अरे लेकिन उसकी ज्वेलरी देखी, कितनी फेक लग रही थी। और मैंने तो ज़ूम भी किया, यू नो माया डिजाइनर था उसका। तुम बिलीव नहीं करोगी, रायना जितनी अजमल की बॉलिंग नहीं पेल रहा ना, उससे ज्यादा लोग तुम्हारे बनाए हुए चिकन कटलेट पेल रहे हैं। बस ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, दे रही हूँ और कटलेट। मोनू देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, चिकन लॉलीपॉप। मोनू, सोनू तो कह रहा था कि तुम लोग मैच देख रहे हो, तूने बताया नहीं यहाँ पे पार्टी हो रही है। नहीं मम्मी जी, पार्टी नहीं है, माया की फ्रेंड है ना अदिति, वो हनीमून से वापस आई है, तो इसके लिए एक छोटी सी गैदरिंग रखी है। मतलब पार्टी ना। हमें अगर शादी का कोई कार्ड भी दे जाता है ना, तो हम एक और कार्ड मांगते हैं तुम दोनों के लिए, अपनी अपनी श्रद्धाएं। सुमित, मैंने कहा था ना मम्मी जी को इनवाइट करने के लिए, तुमने नहीं किया। मैं भूल गया हूँ, I'm sorry. मुझे सुमित भी ना, तुम कटलेट लो, ये दीजिए। और आइए ना, पास्ता ही बना रहे हैं हम लोग। पास्ता? हाँ। धनिया का पाउडर डाला? धनिया पाउडर? हाँ, मेरी स्पेशल रेसिपी है। पास्ता में धनिया का पाउडर डालो ना, तो बिल्कुल विलायती खाना लगता ही नहीं। तू देखती जा।
देखा ऐसे बनता है पास्ता। आंटी मैं वीडियो बनाऊं? हाँ हाँ बनाओ। बहुत गर्म है यार। माय आई एम सो सॉरी, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तुमने मुझे मम्मी जी को इनवाइट करने के लिए कहा था। ये मैंने कभी कहा ही नहीं। इतने टाइम से पार्टी प्लान कर रखी है सुमित, मैं नहीं चाहती थी कि आज भी मम्मी जी अपनी टांग अड़ाए। माया असली घी कहाँ है? घी? हाँ घी का तड़का लगेगा ना पास्ता में। कुछ भी हो जाए कटलेट की सप्लाई मत बंद करो। कहाँ है माया? दिखाती हूँ मम्मी जी, अभी दिखाती हूँ। खाओ ना। सिमरन पास्ता में पुदीने की चटनी का स्वाद आ रहा है ना? जी मम्मी जी पूरा आ रहा है। अदिति तू कुछ कह रही थी ना, तुम लोग कहाँ गए थे घूमने के लिए? आंटी हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे। स्विट्जरलैंड? जी। वो तो सोसाइटी के लोग जाते हैं। कभी हरिद्वार जाके देखो। हरिद्वार? हाँ वहाँ पे ना गंगा किनारे बैठ के आलू पूरी खा के भगवान का नाम लेने में जो मजा है ना वो और कहीं नहीं है। आंटी हम लोग हनीमून पे गए थे। हाँ तो क्या हुआ, तू जहाँ भी जाएगी भगवान तो वहाँ होंगे ना। हनीमून क्या और तीर्थ यात्रा क्या फर्क पड़ता है? सिमरन तो कह रही थी तेरी कजन प्रेग्नेंट है, कैसी है वो? अब ठीक है, बस रात को थोड़ी वीकनेस होती है। अरे बाके बाबा का चूर्ण नहीं लिया होगा। मैं जब सोनू को प्रेग्नेंट थी ना तो मैं ना ऋषिकेश गई थी, वहाँ पे लक्ष्मण झूले के दाहिनी तरफ ना बाके बाबा का आश्रम है, उन्होंने वहाँ पे ना मुझे एक चूर्ण खिलाया था। आह क्या चूर्ण था। उसी चूर्ण की वजह से ना आज सोनू इतना जोशीला है। अच्छा रूबी तेरी ऑफिस पार्टी के पिक्स मैंने कल ही देखे इंटरनेट पे, वेरी नाइस। अरे वो वाली पिक? हाँ फ्रेंड्स ने मुझे पिला दी थी, मुझे तो होश भी नहीं रहा था कि मैं किसके साथ डांस कर रही थी। वैसे मैं ड्रिंक नहीं करती, जबरदस्ती पिला दी थी। हाँ हाँ बेटी सारे शराबी ना यही कहते हैं। अरे कैसी तेरी और मेरी कितनी ऐसी पिक्स है ना कॉलेज टाइम से। क्या क्या कह रही है अदिति, हमने ये सब कब किया? अच्छा हुआ नहीं किया, वरना तुझे भी ना रूबी की तरह शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। हाँ जी आंटी जी। मोंटी कहाँ है आजकल? मोंटी वो गोवा गया काम से, एक दो दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ गया। गोवा? वाह वाह वहाँ कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है उसका? क्या यार बारिश ना होती तो मैच हमारा था। थैंक गॉड बारिश हुई। माया इतनी खुश तो तुम मुझे शादी पे भी देख के नहीं हो। अच्छा सुमित फिर हम चलते हैं। रुकना कहाँ जा रहा है? माया हम लोग भी चलते हैं। हाँ रात बहुत हो चुकी है और कल ऑफिस भी जाना है। अरे पर सिर्फ 9 बजे हैं। जाने दे माया, जल्दी जाके सोएंगे ना तो हाजमा ठीक रहता है, नहीं तो फिर किसम बोल खाना पड़ेगा। लेकिन हमारी बातें अधूरी रह गई गाइस। पानिया मुझे भी जरा मोंटी जी को फोन करना है और पूछना है कि वो गोवा में क्या क्या कर रहे हैं। बाय माया। बाय बाय बाय। अरे भाया बेटा ये तेरी दोस्त चली क्यों गई सब के सब? अब इतना सारा खाना मेरे को ही खाना पड़ेगा। मेरी पार्टी मेरा डिनर सब कुछ। माया बेटा किसी की पार्टी फ्लॉप हो जाए किसको अच्छा लगता है ना। पास्ता मैंने बनाया है। ठीक है नहीं खाता। चिकन कटलेट ने तो कमाल ही कर दिया, इतनी देर से क्या लिख रही हो? तुम्हारी मम्मी को चिट्ठी। क्यों? पहले तो उन्हें बताने कि उन्होंने मेरी पार्टी बर्बाद कर दी। अच्छा है अच्छा है,
तुम अपने फीलिंग्स को दबा के नहीं रख रही हो, इस तरह से उन्हें बाहर निकलने दे रही हो। चिट्ठी भेजने तो नहीं वाली ना? जरूर भेजूंगी। नहीं 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 नहीं, तुमने लिख दिया, मन हल्का हो गया, फिर चिट्ठी भेजने की क्या जरूरत है? तुम्हारी माँ को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। अगर अगर किसी ने तुम्हारी पार्टी बर्बाद की तो वो मेरे दोस्त थे, तुम्हें मुझे चिट्ठी लिखनी चाहिए, मुझे। नहीं सुमित, गलती मेरी भी है, मैंने इतने सालों में कभी मम्मी जी से अपने दिल की बात नहीं कही। पर मुंह से कहो, लिख क्यों रही हो? सुमित, मैं लिखूंगी नहीं ना तो मेरी पूरी बात अधूरी रह जाएगी, और आज मुझे कुछ भी अधूरा नहीं करना। मैं पूरी जिंदगी मम्मी जी के ताने सुनते सुनते नहीं बता सकती। वो तुम्हें ताना कहाँ मारती हैं? यहाँ, यहाँ मारती है। मेरे घर में आके काम वाली से लड़ना ताना है, मेरे इस्त्री किए गए कपड़ों को दोबारा प्रेस करना ताना है, मेरे घर में कितने जाले हैं उसकी लिस्ट बनाना ताना है, और पास्ता में धनिया पाउडर डालना ताना नहीं तो क्या है सुमित? मेरे सामने इतनी लंबी लिस्ट मत तानो। तुम चिंता मत करो, तुम देखना इस चिट्ठी से सब कुछ अच्छा ही होगा। यार नहीं, नहीं यार, माया प्लीज, माया प्लीज। ट्राई करना तो बनता था। अगर कुछ ट्राई करना ही है ना तो अपनी मम्मी के बजाय एक बार मेरी साइड ले लो, ठीक है? तुम अगर चिट्ठी लिखना चाहती हो तो तुम लिखो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अगर मैं अपनी मम्मी का सामना नहीं कर पाता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी नहीं करो। एक्चुअली यू नो व्हाट, लाओ मुझे दो, मैं खुद जाके दूंगा। दो। इमली की चटनी जरूर डालना। देती हूँ, रुको। हाँ, सबर करो जरा। अरे मोनू, आ भाई कचौड़ी खा। नहीं मम्मी जी, पापा जी, वो आपने लेटर बॉक्स चेक किया सुबह से? लेटर बॉक्स क्यों? नहीं नहीं, कभी कभी आपकी चिट्ठियाँ हमारे पास और हमारी चिट्ठियाँ आपके पास आ जाती है ना। आप मुझे चाबी दीजिए, मैं लेटर बॉक्स चेक कराऊंगा। ठीक है, पर हमारी कौन सी चिट्ठियाँ आती हैं तेरे पास? वो एड्स, कूपन्स। कूपन्स? कैसे कूपन्स? ढाबे के, रेस्टोरेंट के डिस्काउंट कूपन, वो सब छोड़िए ना, आप चाबी दीजिए, मैं लेटर बॉक्स चेक कराता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब कि लोग मुझे ढाबे रेस्टोरेंट से कूपन भेज रहे हैं और मजे तू लूट रहा है? हमारे लेटर बॉक्स पे भी डाका डालने का प्रोग्राम चल रहा है तेरा? चिट्ठियां मुझे दे दे। अरे अरे अरे, इससे मतलब ना बेटा, देखा कोई इंटरेस्टिंग चिट्ठी आई है कि नहीं। बकवास बकवास बकवास, डॉली वाली। अरे डॉली, ये तो तेरे नाम की चिट्ठी आई है। पापा जी मुझे दे दीजिए। क्यों भाई, तेरा नाम डॉली है? अरे मुझे किसकी चिट्ठी आई? मम्मी जी आपने कुछ खाने के लिए नहीं दिया? अरे ये तो माया की चिट्ठी है। सुबह से कुछ नहीं खाया, मर जाऊंगा। अगर एक चिट्ठियां भी चुराने लगा है, शर्म नहीं आती तेरे को अपनी माँ की पर्सनल चिट्ठियां पढ़ते हुए? ये मम्मी जी बहुत दिनों से ये चिट्ठी लिखने की सोच रही थी। अच्छा, कल के पार्टी के लिए ने मुझे थैंक्स बोलना चाहती है। अच्छा। पापा जी आप मुझे दे दीजिए। पढ़िए मैं आगे क्या लिखा है। अरे बहुत कुछ लिखा है आगे। पिछले 7 साल मैंने कुछ नहीं कहा, पर आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपसे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मेरी खुशी लगता है आपसे बर्दाश्त ही नहीं होती। ओ, 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 मम्मी जी मैं निकलता हूँ। बैठ, पढ़िए। पढ़ रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। हम एक दूसरे के करीब रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बात में टांग अड़ाएं। मेरे बच्चों को कौन से बिस्किट खाने चाहिए
मुझे सलवार कैसी सिलवानी चाहिए, पंखों के जाले कैसे साफ करने चाहिए, इन मामलों में आपकी टिप्पणी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माया ने हाल ही में शराब पीनी शुरू कर दी है। हाँ, कमाल तो ये है कि इतनी दखलंदाजी करने के बावजूद आपको आइडिया भी नहीं है कि आप कितना रौब झाड़ती हैं, कितनी अकड़ू हैं और कितनी इंटरफरी। हमेशा डीटीसी बस की तरह धक्का मार के जिंदगी में घुसने की कोशिश करती रहती हैं। आपकी माया, वाह, माया को तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना चाहिए। बस, बस। इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहती मम्मी। मम्मी जी, मम्मी जी। मम्मी जी आप बात तो सुनिए। प्रिय माया, मैं भी तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। अरे मम्मी जी, एक और चिट्ठी नहीं। मैं अकड़ू हूँ, मैं रौब जमाती हूँ। तुम खाना बहुत बकवास बनाती हो। मम्मी जी, माया को तो वैसे भी ये सब पता है। और वो आप लोगों ने अपना लेटर बॉक्स चेक तो नहीं किया ना? किया। ओ माया बेटा, अपने ऑटोग्राफ देती जाइयो। मम्मी जी, आई एम सॉरी, मुझे वो चिट्ठी नहीं भेजनी चाहिए थी। अच्छा, और कल रात से मैं क्या कह रहा था तुम्हें? मुझे आपसे फेस टू फेस बात करनी चाहिए थी। तो हो जाए, आमने सामने हो जाए। देखिए, एक पुलिस वाला हो। कचौड़ी खा, बैठ। मम्मी जी, आई एम सॉरी अगर आपको उस चिट्ठी से दुख पहुंचा हो तो। जब लिख रही थी गुस्से में थी और बहुत टल्ली भी। बस मुझे कभी कभी लगता है कि मैं आपसे अपनी दिल की बात शेयर ही नहीं कर सकती, इसलिए सोचा शायद चिट्ठी में लिखूंगी तो समझा पाऊंगी। क्योंकि मैं रौब जमाती हूँ, अकड़ू हूँ, इंटरफर्टिंग हूँ। इंटरफर्टिंग नहीं, इंटरफटटिंग। हमेशा तेरे घर में बाहर वाले जैसे फील करती हूँ। तूने कभी सोचा है कि क्यों तुझे लगता है कि मैं धक्का मार के अंदर घुसने की कोशिश करती हूँ? क्योंकि तुमने मुझे कभी वेलकम फील करवाया ही नहीं। मैं आपको कैसे वेलकम फील करवा सकती हूँ? आपने भी तो कभी ऐसे नहीं किया। अरे मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारी फैमिली एक साथ रहे, हंसी खुशी। मैं भी यही चाहती हूँ। तुमने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। ऐसे ही मुझे भी फील होता है कि आप मुझे अपनी फैमिली में चाहती नहीं है। प्रॉब्लम तो आपको है ना मुझसे, आपको मेरी कुकिंग पसंद नहीं है इसलिए हमेशा अपना खाना ले आती है। वो तो इसलिए क्योंकि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। आप जैसे कभी नहीं बन पाओगी मम्मी जी। फिर भी तुम मुझे बहुत प्यारी हो। और तुम मेरे जैसे बन भी नहीं सकती। अब ना मन हल्का हो गया। मेरा भी। हाँ मम्मी जी, वो पास्ता में आपने धनिया पाउडर कैसे डाला था? हाँ, सिखाती हूँ। हाँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि पहले सरोजनी जाके लहंगा सिलवा लूँ। चलो मैं भी आती हूँ। चल। क्या था लड़ाई करते करते शॉपिंग का प्लान कैसे बन गया? इन जनानियों को है ना लड़ना भी ठीक तरह से नहीं आता। तू रो रहा है ना? ना।
सुनो जी, माया के साथ ना सरोजिनी से मैंने भी कुछ सूट खरीदे। अच्छा, क्या कर रहे हो? वो ना फालतू चिट्ठियां फाड़ रहा हूँ। अरे ये माया की चिट्ठी है? अरे डॉली, चिट्ठी पढ़ तो ली, उसके बाद रोना हो गया, गले लगना हो गया, शॉपिंग हो गई है, अब इसकी क्या जरूरत है? अरे इसे थोड़ी ना फाड़ूंगी, ये तो सबूत है। मरते दम तक इसे संभाल के रखूंगी। Bum 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 b